हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 विच इज़ बेस्ड ऑन BP401T AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 सिलेबस। आज हम आप लोगों के लिए 17 लेक्चर्स लेके आए हुए हैं। इसके पहले जो 16 लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर जा करके आप लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हमने जो लेक्चर 1 से 10 पिछले लेक्चर हैं उसमें हम लोग ने यूनिट 1 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की थी, और ये यूनिट 2 में हम लोगों ने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की। आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाईफिनाइल कंपाउंड्स, एट्रोप आइसोमेरिज्म एंड कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाईफिनाइल, जिसको हम लोग एट्रोप आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इन द वर्ड एट्रोप आइसोमर, एट्रोप्स मीनिंग इज विदाउट टर्न। अगर हम एट्रोप आइसोमर की मीनिंग देखें तो इसमें एट्रोप्स का मीनिंग होता है विदाउट टर्न, ऐसा कंपाउंड जो एक बार बनने के बाद वो टर्न ना कर सके। इट्स आर स्टीरियो आइसोमर एराइजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक तो हिंडर्ड रोटेशन, वो भी सिंगल बॉन्ड। अभी हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि वहाँ पे जो ये रोटेशन होता है ये डबल बॉन्ड की वजह से स्टॉप होता है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती है और दो आइसोमर बनते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसका रोटेशन ना हो पाए और जिसकी वजह से दो जो कंपाउंड साइज होंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे और उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। स्टीरियो आइसोमर फॉर्म्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन इज नोन एज एट्रोप आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे इस कंडीशन की वजह से उसको हम एट्रोप आइसोमर के नाम से जानते हैं। एट्रोप आइसोमर कैन आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड, और ये जो एट्रोप आइसोमर होते हैं इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं और अलग करके इनको रख सकते हैं। एट्रोप आइसोमेरिज्म जहाँ पाई जाती है उसमें से जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल्स में, एलिन्स में और बिनैप कंपाउंड्स में पाई जाती है। सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल में दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं जिसकी आर्थो पोजीशंस पर बल्की ग्रुप ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन नहीं हो पाता है और ये एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरी तरफ बिनैप हैं, नेप्थिल रिंग इसमें होती है और इसमें भी एक तरफ तो बल्कि नेप्थिल रिंग ही जुड़ी होती है आर्थो पोजीशन पर और दूसरे साइड में यहाँ पे कोई आर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पे ट्राईफिनाइल फास्फेट ऐड किया गया। तीसरे हैं एलिन्स हैं, एलिन्स की जो एट्रोप आइसोमेरिज्म है इसमें 3 कार्बन सेंटर होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड C प्रेजेंस होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और ये एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर हमें जो कंपाउंड स्टडी करना है वो बाईफिनाइल के आइसोमेरिज्म के बारे में, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाईफिनाइल होता क्या है। बाईफिनाइल इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बाईफिनाइल जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फार्मूला C12H10 होता है। इट इज़ एल्सो नोन फिनाइल बेंजीन और 1,1- बाईफिनाइल बिकॉज इट कंटेन 2 फिनाइल रिंग, क्योंकि इसमें 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट होती हैं
इसलिए इसके कई नेम हैं, जैसे बाईफिनाइल, फिनाइल बेंजीन, 1,1-डेस बाईफिनाइल। बाईफिनाइल अकर्स नेचुरली इन कोल टार। बाईफिनाइल कोल टार में पाया जाता है। इट हैज डिस्टिनेक्टली प्लीसेंट स्मेल, इसमें एक प्लीसेंट स्मेल आती है। तो इन सब पॉइंटों से हमें उतना कुछ लेना देना नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये चीज़ आप लास्ट सेमेस्टर में भी बाईफिनाइल के बारे में आपने पढ़ा था। हमें जो मेन मकसद है आइसोमिज़म शो करनी, उसके लिए केवल बाईफिनाइल नहीं चलेगा, हमें चाहिए सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल। इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स मे ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एट सीसी सिंगल बॉन्ड। जो बाईफिनाइल का सीसी बॉन्ड है उसके रोटेशन को अगर किसी तरह से स्टॉप कर दें तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ये आप बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसमें दो बेंजीन रिंग जो हैं आपस में सीसी बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, और जो ये रिंग है आपकी ये आपस में रोटेट। नेक्स्ट इज अ कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बाईफिनाइल में जो कंडीशन है उनको अगर हम लोग देखें, तो बाईफिनाइल शोज द एनिसियोमिज़म व्हेन द मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो बाईफिनाइल जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। पहले ये ईच रिंग मस्ट बी अनसाइमेट्रिकल। जो बाईफिनाइल की रिंग है वो अनसाइमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ये तभी होगा जब सबस्टूडेंट्स कुछ ऐसे जुड़े हों जिससे जिसमें हम साइमेट्री अगर कोई डालें तो साइमेट्री ना बने। ईच ऑफ द रिंग शुड नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ साइमेट्री एलिमेंट। हमने यूनिट 1 में साइमेट्री ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, तो कोई भी साइमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सुटेबल बल्की सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पोजिशन मस्ट बी देयर एट ईच रिंग। कम से कम एक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑर्थो पोजिशन पर बल्कि जो हो साइज में वो प्रेजेंट होना चाहिए बाईफिनाइल की दोनों रिंग पे। मेन मकसद ये है कि रोटेशन स्टॉप हो इसका। अगर रोटेशन हो जाएगा किसी तरह से एक भी रिंग का तो आइसोमर नहीं बनेंगे। बल्कि ग्रुप जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, CWH, NO2, NHCOCH3, SO3H और R ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हो सकते हैं बल्कि ग्रुप में। और जो स्मॉल ग्रुप जैसे हाइड्रोजन है या फिर फ्लोरीन है, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनके प्रेजेंस होने पर रिंग रोटेट कर जाएगी। लास्ट पॉइंट है द प्लेन अप टू एरिल ग्रुप्स मस्ट बी नॉन प्लेनर। जो दोनों बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं वो नॉन प्लेनर होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों रिंग एक दूसरे के 90 डिग्री पर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती। तो आप ये एग्जाम्पल पहला वाला देखो, तो अगर ऊपर वाली जो रिंग है इसमें दो CWH ग्रुप सेम हो गए, अगर दो CWH ग्रुप सेम है तो इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हैं तो रिंग आसानी से रोटेट कर जाएगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो आपका जो कंपाउंड है 6-नाइट्रोबाईफिनाइल 2,2-6-ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड और 6-नाइट्रोबाईफिनाइल 2-कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब नीचे अगर देखें, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है डाई नाइट्रोबाईफिनाइल का, 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और अपोजिट साइड में रिंग के CWH ग्रुप प्रेजेंट दिखाया गया है। तो रिंग पर एक रिंग पर जो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, जैसे CWH और NO2। दूसरी चीज़ ऑप्टिकल आइसोमिज़म दिखाने का जो तरीका है, आप देख सकते हो ये रिंग आपकी अप साइड में है और CWH ये ऊपर होगा, अप साइड में होगा। ऐसे ही इधर आपका NO2 वाली रिंग अप साइड में है और ये NO2 अप साइड में होगा। इसी का जो इनेंशियोमर बनेगा, इनेंशियोमर कुछ इस तरीके का होगा, जो NO2 वाली साइड अब इसमें देखिए अप साइड में हो गई है और नीचे वाली रिंग में CWH वाली रिंग अप साइड में हो गई। तो इस तरीके से ये दो आइसोमर बनते हैं। जो पहला आइसोमर है उसका कॉन्फ़िगरेशन S है
और दूसरे का जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आर है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने जो रिंग बनाई है, इसमें एक रिंग आपके पेपर में प्लेन में बनाई हुई है और दूसरी रिंग पेपर के परपेंडिकुलर बनाई हुई है। यहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो इसमें ये वाली रिंग ऐसे है और ये वाली रिंग आपकी ऐसे है, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो COOH और BR ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के स्टेगर्ड पोजीशन में रहेंगे। और दूसरे में क्या किया गया, रिंग वन में जो पहली रिंग है प्लेन वाली, उसमें BR और COOH के स्थान को चेंज कर दिया गया, तो इससे ये R आइसोमर बन जाता है। तो पहला आइसोमर आपका S है और दूसरा आइसोमर R है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये थे एट्रोप आइसोमिज्म। जो हमारा अगला लेक्चर्स होगा वो होगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो तब तक आप लोग क्या करें, जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।